हरियाणा के महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों की अज्ञात लोगों ने पिटाई कर दी, जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में कश्मीरी छात्रों पर हमले का एक मामला सामने आया है। मामला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के मसानी चौक का है, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने दो कश्मीरी छात्रों पर हमला कर दिया। ये कश्मीरी युवा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में भूगोल के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 युवकों ने इन छात्रों पर एक साथ हमला किया। पीड़ित छात्रों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित छात्रों के मुताबिक जब वो नमाज पढ़कर वापस जा रहे थे, तब कुछ लोग उनका पहले पीछा करने लगे और जिसके बाद मसानी चौक के पास 15 से 20 कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उनके हाथों में ईंटें भी थी। जब हम मस्जिद से निकले, कुछ लोग हमारे पीछे थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। जब हम वहाँ चौक में पहुँचे तो उधर मुझे दर्जी के पास कुछ काम था, वहाँ से मैंने अपने कपड़े ठीक करवाने थे, वहाँ से जो ही गाड़ी पे बैठे और कुछ लोग आ गए थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया था। आपको इस चीज की वजह पूछी आपने कि क्यों मारा जाए? पूछा था हमने, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे, मार रहे थे। काफी सारे थे, ईंट लिए थे, उन्होंने हेलमेट छीन लिया था, उससे मारा था। हम ये चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ ये किसी दूसरे के साथ ना हो। सभी बच्चे हम बाहर जाते हैं, किसी को इकट्ठे तो एक साथ नहीं जा सकते, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, आए दिन यहाँ यूनिवर्सिटी में होता रहता है और ये नहीं होना चाहिए। कश्मीरी छात्रों पर हमले को लेकर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं कश्मीरी छात्रों पर हमले का ये मामला खट्टर सरकार के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है।